बॉर्डर पर तैनात हो गया भारत का वो इकलौता योद्धा जो पूरी एशिया और यूरोप में सिर्फ है भारत के पास। भारत ने तैयार किया पहला ऐसा FRC वेपन जिस पर लेजर से लेकर आधुनिक मिसाइल तक सब होंगी बेकार। दोस्तों, भारत बिल्कुल नए सिरे से हथियारों को डिजाइन कर रहा है। इस कैटेगरी में भारत ब्रह्मोस 2 और HSTDV जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ 5वीं प्लस पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, तो वहीं भारत पड़ोसी देशों की मिसाइलों को रोकने के लिए BMD और आकाश NG जैसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। BMD सिस्टम की तो रेंज इतनी है कि भारत धरती के किसी भी कोने से फायर हुए मिसाइल को हवा में ही राख कर सकता है। इस काम में रूस का एक S-400 सिस्टम भी बेकार साबित हो गया है। वहीं इसके अलावा भारत के पास मानव रहित ड्रोन तैयार करने की तकनीक भी आ गई है। इसके साथ भारत ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो फुल्ली ऑटोमेटेड होंगे, जैसे कि अंडरवाटर ड्रोन्स। दोस्तों, इसी फेरिस में भारत ने दुश्मनों को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय सेना के लिए अब एक ऐसा हथियार बन रहा है जो न केवल नेक्स्ट जनरेशन का है, बल्कि ना तो उस पर किसी लेजर का हमला हो सकता है, ना किसी परमाणु मिसाइल का, और ना इस पर किसी गोली का असर हो सकता है, ना ही किसी बारूदी सुरंग का। यानी जो दुश्मन के पास हथियार हो सकते हैं, ये सबका बाप है। और आपके लिए गर्व करने वाली एक और बात यह है कि ऐसा कमाल के हथियार फिलहाल एशिया में किसी के पास नहीं है। चीन तो इसकी तकनीक जानता तक नहीं है। तो दोस्तों, इस हथियार की पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। LSE और LOC उतरेगा भारत का वो सबसे नया योद्धा जो पूरे एशिया और यूरोप में सिर्फ भारत के पास होगा, जिसकी काट छोड़ो किसी ने देखा तक नहीं होगा। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के शौर्य को सातवें आसमान पर ले जाने की तैयारी है। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देख चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची है। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, जिसमें स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के नए महाबली अब तैयार है। अब इन्हीं में से एक हथियार चीन की मौत बनने के लिए रेडी है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को देखते हुए भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है, जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, यानी FRCV। दरअसल ये एक टैंक है जो अगली पीढ़ी की तकनीक से लैस है। रूस और यूक्रेन की जंग में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई है, उसे देखते हुए इस टैंक के डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब हम आपको इस टैंक की पूरी खासियत बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा जो लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही उड़ा सकेंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह की बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव, नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। ये मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं होंगी, यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा, यानी दुश्मन का लेजर हमला भी बेकार हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे, यानी इस पर टारगेट करके किसी भी हमले से निशाना नहीं बनाया जा सकता। वहीं इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे ताकि क्रू सही से काम कर सके। इसके अलावा टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य बैठ सके। इसके जरिए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, टेथर्ड ड्रोन्स को नियंत्रित किया जा सकेगा, यानी अंदर बैठा जवान ही आसमान में उड़ रहे UAV को कंट्रोल कर लेगा और दुश्मन पर धावा बोल देगा। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही दोस्तों, दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक होगी जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो कहते हैं। टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा होगी। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इन्फॉर्मेशन सिस्टम C4I इसे और बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी, जिसमें से कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे, चाहे टारगेट कहीं रुका हो या फिर चल रहा हो। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा ताकि गोला भरना ना पड़े। यानी दोस्तों, ये एक तरह से चलती फिरती दुश्मन की मौत है, जिसे दुश्मन किसी भी हथियार से रोक नहीं सकता है। लद्दाख में इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल तैनात।
भारत ने चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद के बाद अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया है। इसी का नतीजा है कि भारतीय सेना को चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए लद्दाख में नए लड़ाकू वाहन मुहैया कराए गए हैं। अब लद्दाख में भारतीय सेना की पकड़ को और मजबूत किया जा सकता है। भारतीय सेना को मिले इन नए लड़ाकू वाहनों को पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र में व्यापक परीक्षण के बाद शामिल किया गया है। इन वाहनों का नाम इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल बताया जा रहा है। ये भारतीय सैन्य शक्ति की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, क्योंकि ये वाहन पूरी तरह स्वदेशी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय सेना को मिले ये नए लड़ाकू वाहन काफी अत्याधुनिक हैं, जो 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर दुर्गम से दुर्गम इलाके में तेजी से काम करने के लिए बेहतर माने जा रहे हैं। इन नए लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल तेजी से गश्त करने और टोही और आक्रामक अभियानों जैसे अलग अलग टास्क के लिए सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए किया जा सकता है। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ सुरक्षा प्रदान करने वाले इन वाहनों को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की ओर से पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इन वाहनों की जरूरत लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष के चरम पर पहुंचने पर महसूस की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने 2 साल पहले परीक्षण शुरू कर दिया था और अब ये भारतीय सेना के जवानों को सौंप दिए गए हैं।